हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक मॉस्किटो फैन किलर। यानी कि ये मॉस्किटो किलर मच्छरों को तो मारेगा ही मारेगा, साथ ही हमारे लिए गर्मियों का जुगाड़ भी बन जाएगा। तो बहुत ही शानदार न्यू इन्वेंशन है। और अभी तक भी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस शानदार गैजेट को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम इस तरह का एक पुराना रैकेट जो कि चालू होना चाहिए, तभी तो फ्रेंड्स इससे मच्छर भी मरेंगे और हम इसके अंदर एक फैन भी मॉडिफाई करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं खोल लेता हूं। तो इसे खोलना बहुत ही इजी है और देखिए इसका ये वाला पैनल भी हम खोल लेते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से खुल जाता है। ये लीजिए फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि इसके अंदर तीन नेट होती है। दो होती है जिनके अंदर बड़े बड़े खांचे बने हुए होते हैं और एक होती है जिनके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे खांचे बने हुए होते हैं। तो जो दोनों बड़े बड़े खांचे वाली जाली है वो लगी होती है इसके दोनों तरफ। देखिए फ्रेंड्स, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और बीच में लगी होती है छोटे खांचे वाली जाली जो कि यहाँ पर लगी हुई है। देखिए, ये देखिए इन दोनों के बीच में, तो ये आपस में टच नहीं हो, इसीलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये कुछ भी डिजाइन लिख देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर R और ये P लिखा हुआ है। तो दोनों तरफ इसकी 5 mm की परत है। तो ये काम कैसे करता है फ्रेंड्स, जब दोनों तरफ से मच्छर, देखिए एक इस तरफ जब हम करेंगे या फिर इस तरफ करेंगे, तो इन दोनों तरफ बड़ी और छोटी जाली के जब मच्छर टच होगा तभी मच्छर मारा जाएगा। ऐसा नहीं है कि तीनों जालियों के टच हो, दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है। और जैसे ही इन दोनों के मच्छर टच होगा चट से आवाज आएगी और उसी वक्त मच्छर मर जाएगा। और इनके अंदर जो पावर आती है वो आती है 2000 volt DC की। कई बार इसको आपने छू के भी देखा होगा या फिर गलती से भी अगर आपकी अंगुली छू जाती है तो आपको पता होगा कि यार सन्नाटा से छा जाता है शरीर के अंदर, ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्या देख लिया। तो वो जो डीसी करंट बनता है फ्रेंड्स, इस कैपेसिटर के कारण ही बनता है, जिनके ऊपर लिखा हुआ रहता है या तो 2kV या फिर 2000V। तो ये जो डीसी वोल्टेज है इन तीनों वायरों के थ्रू, देखिए यहाँ पर दो तो येलो है और एक रेड, तो रेड वाला बीच वाली जाली में जा रहा है और दोनों येलो दोनों साइड वाली जालियों के अंदर। तो वो जो वोल्टेज है इस स्विच को जैसे ही हम दबाते हैं इन जालियों के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसी वक्त यहाँ पर रेड लाइट भी जली रहती है। तो वो वोल्टेज यहाँ पर किस तरीके से आते हैं वो इस सर्किट का ही कमाल है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में फिलहाल हम ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे। और देखिए एक चीज और इसके अंदर खराब होने वाली है, वो है ये बैटरी। सिर्फ दो ही चीज इसके अंदर खराब होती है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स मुद्दे की। तो जैसा कि मैं इन जालियों के बारे में आपको बता रहा था, सिर्फ दो जालियों से काम हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा कहने का मतलब ये है कि इनमें से मैं एक बड़े नेट वाली जाली को यहाँ पर हटाने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा दो जालियों से काम हो ही जाएगा, एक छोटी और एक बड़ी। तो मैं ये वाली जाली हटा लेता हूँ फिलहाल और फिर हमारा रैकेट एक तरफ काम करेगा बिल्कुल आसानी से, और एक तरफ हम जो गैजेट बना रहे हैं, जो फैन बना रहे हैं, उसको काम करवाएंगे। तो चलिए जल्दी से हटा लेता हूं। ये लीजिए फ्रेंड्स, बिल्कुल आसानी से हट जाती है। तो मैं इस वायर को यहीं से कट कर देता हूं, तो फिलहाल हमारी ये नेट कुछ भी काम में नहीं आएगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम इस तरह की डीसी मोटर जो कि आपको बिल्कुल इजीली मार्केट के अंदर भी मिल जाएगी या फिर आपको पुराने सीडी राइटर या डीवीडी राइटर में मिल जाएगी। तो मार्केट में ये 15 से 20 रुपए में मिल जाएगी और ये होती है 3 volt की, वैसे ये 5 volt तक सपोर्ट कर जाती है। तो इस मोटर को देखिए हम यहाँ पर फिक्स करेंगे इसके बीच सेंटर में, और ये जो गैजेट मैं बनाने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कोई भी कर लेगा बिल्कुल आसानी से। यार आपको सिखाने के लिए तो मैं ये सब कुछ करता हूँ, जो भी वीडियो में बनाता हूँ आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए इसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पर कुछ ना कुछ जुगाड़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस मोटर के नीचे की साइड के अंदर टेप लगा दूंगा ताकि ये इस नेट से टच नहीं रहे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम टेप लगा देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया है और अब करेंगे हम यहाँ पर फिक्स। तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने पीवीसी शीट के इस तरीके से दो टुकड़े कट कर लिए हैं जो कि मैंने यहाँ की नाप के हिसाब से कट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये किस तरीके से लगेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से टाइटली हमने इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और अब देखिए इन सबको मैं स्टंट ग्लू के द्वारा चिपका देता हूँ।
तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मोटर को भी अच्छे से चिपका दिया है, साथ ही यहाँ पर पीवीसी शीट के टुकड़ों के द्वारा इसको अच्छे से फिक्स भी कर दिया है, ठीक है। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस मोटर के दोनों वायरों को लंबा करके इस सर्किट तक लाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए मैं एक्स्ट्रा वायर जोड़ लेता हूँ। तो ये मैंने थोड़े पतले वायर लिए हैं, तो पॉजिटिव वाला रेड है और नेगेटिव वाला ब्लैक, तो इस हिसाब से हम कनेक्शन कर देंगे फ्रेंड्स। तो मैं इन वायरों को इस रैकेट की इन दीवारों पे फिक्स करता हुआ लाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक दीवार की तरह ही है, रैकेट की दीवारें। तो सबसे पहले मैं इन जॉइंटों पे टेप लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इस वायर को फिक्स कर दिया है। और अब देखिए यहाँ पर ये जो बैटरी है इसको फ्रेंड्स हमें हटाना होगा। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इसको हटाना होगा, और उसका कारण है फ्रेंड्स, हमें इस रैकेट के अंदर और भी ज्यादा बैकअप चाहिए, चाहे वो मच्छरों को मारने के लिए हो या फिर इस फैन को चलाने के लिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम लेंगे एक लिथियम बैटरी जो कि 2600 mAh की है। तो इसको लगाने के बाद में फ्रेंड्स हमारा ये रैकेट बहुत ही पावरफुल भी बन जाएगा, और हमारे जो फैन लगेगा वो भी इसके द्वारा बैकअप 5-6 घंटे का दे देगा। साथ ही जहां पर हम इस बैटरी के द्वारा लगातार मॉस्किटो रैकेट को अगर यूज करते हैं तो इसे 3-4 घंटे के अंदर फिर से चार्ज करना होता है। लेकिन इस बैटरी को इसमें लगाने के बाद में जहां पर ये बैटरी 3-4 घंटे का बैकअप देती है मच्छरों को मारने के लिए, वहां पर ये बैटरी कई दिनों तक काम करने वाली है। साथ ही अगर हम इसके द्वारा फैन भी चलाएंगे तो इसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 घंटे तक ये फैन चल जाएगा। लेकिन इस बैटरी को लगाने के बाद में फैन चलेगा इस बैटरी से 10 गुना बैकअप के साथ में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं फ्रेंड्स इसका बैकअप। तो चलिए इस बैटरी को हम इसके अंदर फिक्स करते हैं अब। तो पहले इस बैटरी को हटा लेते हैं, और इस बैटरी के लिए यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनानी होगी हमें। तो यहाँ पर इन दोनों टर्मिनलों को हटा देंगे ताकि ये बैटरी यहाँ पर फिक्स हो सके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी बैटरी इसके अंदर आ चुकी है। और अब देखिए हम इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से वायर जोड़ लेते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव के लिए रेड और नेगेटिव के लिए ब्लैक। और अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस बैटरी के वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे जहां से हमने पहले वाली बैटरी हटाई थी। तो यह है बैटरी का पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव लिखा हुआ भी है, और यह है नेगेटिव, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये नेगेटिव है। और अब देखिए इस बैटरी को हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसको फिक्स करने से पहले यहाँ पर हम बैटरी के नेगेटिव पे एक टेप का टुकड़ा चिपका देंगे ताकि इस बैटरी का नेगेटिव कभी भी इस सर्किट के टच नहीं हो। हो सकता है कभी टच हो जाए, लेकिन हम सेफ्टी लेके चलेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए बैटरी को डबल टेप के द्वारा चिपका के यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, और फिर इसका नेगेटिव वाला वायर यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए इस मोटर के जो वायर है उनको हम कनेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव वाले वायर को हम कनेक्ट करेंगे सीधे बैटरी के पॉजिटिव पे, और इस नेगेटिव वायर को हम कनेक्ट करेंगे, देखिए ये जो स्लाइडर स्विच है इसकी इस वाली लेग पे, यानी कि सेकंड नंबर वाली लेग पे, या फिर आप देखिए ये जो ट्रैक है पूरा का पूरा, इस पे आप इस नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सारे कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो मोटर है इसके लिए लूंगा मैं एक प्रोपेलर। तो देख सकते हैं इस तरह की ये जो प्रोपेलर है इसके अंदर हम फिक्स कर देंगे मोटर की शाफ्ट पे। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। और अब देखिए इस फैन के ऊपर हम नेट भी लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह की एल्यूमिनियम की नेट आपको बिल्कुल आसानी से हार्डवेयर वगैरह की शॉप से मार्केट में मिल जाएगी। तो चलिए इसकी नाप के अनुसार मैं इसको इस तरीके से कट करूंगा कि ये फैन के भी टच नहीं हो। तो चलिए फ्रेंड्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से ये फ्रेम हमने बना लिया है, और अब देखिए इसको हम फिक्स करते हैं। तो बहुत ही इजीली यहाँ पर ये फिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं ये जो वायरिंग है इनको अच्छे से सेट कर लेता हूँ, और अब करते हैं इसको फिक्स।
तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये पैक हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पर इसका जो ऊपर वाला कवर है इसको भी हम कस देते हैं। तो इसको कसने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो दोनों टर्मिनल है इनको भी हमें हटाना होगा, नहीं तो ये बैटरी के टच होंगे। और अब इसको कस लेते हैं। और अब बारी है फ्रेंड्स इस शानदार 2-in-1 गैजेट की टेस्टिंग की। तो देखिए फ्रेंड्स ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका फैन ही चला के बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स जैसे ही हम यहां से स्विच को ऑन करेंगे हमारा ये फैन चालू हो जाएगा। और अब देखिए इसकी मैं हवा चेक कराता हूं आपको। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही शानदार तरीके से हमारा ये गैजेट काम कर रहा है। तो यार गर्मियों के अंदर मच्छर भी परेशान करते हैं और गर्मी भी परेशान करती है, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये हमने 2-in-1 गैजेट बनाया है। और अब चलिए यहाँ पर ये मच्छरों को किस तरीके से मारेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे ही हम इस स्विच को दबाएंगे फ्रेंड्स हमारा ये फैन बंद हो जाएगा। तो आप जैसे ही इस तरीके से करोगे यहाँ पर इस साइड से सारे मच्छर मारे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से, ये देखिए ऐसे मान के चलिए यार मच्छरों को ये बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा, सड़ाक से मार देगा। देखिए गाइज ये देखिए। अब आप सोचेंगे कि यार मुकेश भाई इसमें क्या बात है, मच्छरों को तो ये पहले भी मार सकता था। लेकिन फ्रेंड्स हमने इसके अंदर एक लिथियम बैटरी भी डाली है जिसका बैकअप ज्यादा होने के साथ साथ यहाँ पर पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। खास मैं आपको ये पहले चेक करवाता हूँ, इस बैटरी को जब हम लगा के रखे थे तब यहाँ पर बिल्कुल भी इतना ज्यादा विस्फोट नहीं था। और अब आप देख सकते हैं इसकी पावर इसके अंदर लिथियम बैटरी लगाने के बाद में। देखिए गाइस देखिए यार काफी तेज हो रहा है, ये देखिए गाइस आप लोगों के पास में भी होगा रैकेट, आप उसको टेस्ट करके देखिएगा क्या इतनी तेज स्पार्किंग होती है। नहीं फ्रेंड्स उसमें इतनी तेज स्पार्किंग नहीं होगी, लेकिन इसमें लिथियम बैटरी डालने के बाद में इसका पावर भी बहुत तेज हो जाएगा और बैकअप भी आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बैकअप के बारे में बता ही दिया है। और देखिए गाइस अब जैसे मैं इसको छोड़ूंगा हमारा फैन चालू हो जाएगा। और अगर आप इसको पूरे को बंद करना चाहते हो तो यहाँ पर देखिए ये जो स्लाइडर स्विच है इसको आप बंद कर दीजिएगा। अब हमारा ये पूरा रैकेट ऑफ हो चुका है। और देखिए इसमें जो हमने 18650 लिथियम बैटरी लगाई है इसकी जगह, तो वो भी उसी प्रकार से चार्ज होगी जिस प्रकार से ये चार्ज होती थी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से यहाँ पर 220 वोल्ट एसी के अंदर हम इसको लगा के चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी आपको। तो इस तरीके से आप अपने घर के पावर सॉकेट में इसको चार्ज भी कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जैसे ही हम इसको चालू करेंगे यहाँ पर लाइट इस तरीके से ग्लो हो जाएगी। ये वाली लाइट इसके आउटपुट के लिए है और जो इनपुट वाली लाइट है जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो वो ये वाली लाइट है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स इस साइड के अंदर जिधर फैन लगा हुआ है उस साइड से मच्छरों को ये मार नहीं सकता, इस साइड से भी ये मच्छरों को बिल्कुल आसानी से मार सकता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये रहेगी फ्रेंड्स कि मच्छर लास्ट के इन दोनों जालियों तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि 2000 वोल्ट का पावर तो इन दोनों के अंदर ही आ रहा है। तो इस तरीके से चलते फिरते आप मच्छरों को भी मार सकते हैं और इसकी हवा का आनंद भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये न्यू इन्वेंशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर से शेयर कीजिएगा। हो सकता है यार वो भी इसी तरह का एक न्यू इन्वेंशन गैजेट बनाने की सोच रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।